प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि आज पूरे प्रदेश में माध्यमिक और उच्च शिक्षा में काफी परिवर्तन आया है। हमारे सभी विश्वविद्यालयों के 95% रिजल्ट आ चुके हैं और 5 जुलाई से सभी विद्यालय खुल जाएंगे। 10 जुलाई से पठन पाठन शुरू हो जाएगा। सरकार की मंशा के अनुरूप विश्वविद्यालय में ई लाइब्रेरी हो, शोध कार्य हो, जो वेबसाइट पर दर्ज हो, जिसके लिए बैठकें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालय में सेमेस्टर का समय सारणी जारी कर दी गई है। शिक्षा की गुणवत्ता एवं पठन पाठन में हिला हवाली नहीं चलेगी। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे के साथ ही बायोमेट्रिक विद्यालयों। उन्होंने यह भी कहा कि प्रजातंत्र हमारी रीढ़ है और हमारी सरकार विद्यार्थियों के बल पर शिक्षा की गुणवत्ता जरूर लाएंगे। इसमें हमें शिक्षकों का सहयोग चाहिए। जब तक शिक्षकों का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक शिक्षा की गुणवत्ता को निखारा नहीं जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च शिक्षा में कौशल विकास की तरह हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े और साथ ही हम डिजिटल की ओर बढ़ाएंगे और शोध गंगा पोर्टल हो, वाईफाई हो, ई लाइब्रेरी लाने की पहल शुरू कर दी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में करीब 200 माध्यमिक विद्यालयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिसमें NCERT के तहत शिक्षा दी जा रही है। वहीं कुलपति राजेंद्र प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में हम सबसे पहले इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर शिक्षा देना शुरू कर दिया था। राज्य विश्वविद्यालय में रोजगार परक शिक्षा देने की पहल शुरू कर दी है, जिससे छात्रों को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आया है NCERT किताबों में, इसमें ये देखा गया है कि योगी आदित्यनाथ के जो गुरु हैं गंभीर नाथ जी, उनका आपने कंपलसरी कर दिया है 6 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं वो करेंगे। ऑपोजिशन ये आरोप लगा रहे हैं कि ये एक राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है, ये क्या सिर्फ उन्हीं का क्यों करा गया? ये किस चीज में? ये जो किताबों में कक्षा 6 से लेकर के ये बेसिक शिक्षा का जो भी NCERT का विषय है, मैं उनसे पूछने के बाद ही कुछ कह सकता हूँ। हमारा जो पाठ्यक्रम NCERT का है, जो हमारा 9th और जो हमने लागू किया है माध्यमिक में, तो माध्यमिक में 9 से और 12 तक, 9, 10, 11, 12 में वो कोर्स लागू किया है, और मैं समझता हूँ कि उसमें किसी प्रकार की इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं। उनका जो गुरु है, मैंने कहा ना कि इसमें 6th जो लागू किया है, मैं मेरे पास में माध्यमिक विभाग है और माध्यमिक में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है। बेसिक का आपने बेसिक का उल्लेख किया है, मैं बेसिक की शिक्षा मंत्री से पहले पूछ रहा हूँ, उसके बाद आप मंत्री। आज 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, मैं धनंजय सिंह।